दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनाल्स के बारे में और कैनाल से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स जो आपने पढ़ी होंगी और हो सकता है आपको देखने को नहीं मिली हो। तो ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है आपके लिए। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, जैसे कि ये कैनाल का बैंक है, कैनाल के साइड में इस पे अपन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, पेट्रोलिंग कर सकते हैं और कैनाल को चेक करने के लिए बनाए जाते हैं दोनों साइड। और जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कैनाल में पानी चल रहा है, ब्रांच कैनाल है। और ब्रांच कैनाल में जो आपको जब ये दिख रहा है, ये है डॉवल। ये कैनाल के दोनों साइड होता है, मैसनरी होती है और इसके बीच में आपको ये दिख रहा है जो है पानी के बीच में और डॉवल के बीच में जो जगह है, ये जो स्लोप में जो जगह दिख रही है, ये है फ्री बोर्ड। कोई भी कैनाल होती है उसका फ्री बोर्ड होता है 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, वो अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से होता है। लेकिन जो टर्म्स है फ्री बोर्ड, वो है जहाँ पे ये डॉवल बना हुआ है। तो जो डॉवल का बेस है वो है लाइनिंग का टॉप, मतलब लाइनिंग यहाँ तक हो रखी है। ये लाइंड कैनाल है और ये स्लोप में है। इसका स्लोप 2:1, 1.5:1, ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो डिज़ाइन के हिसाब से है, जहाँ पे कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग ये स्लोप लिया जाता है। अब जो दिख रहा है फ्री बोर्ड, तो ये FSL है, जहाँ पे कैनाल का भी पानी स्तर है ये, और ये जो डॉवल का बेस है, इस बीच की जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं फ्री बोर्ड। आगे हम बात करते हैं हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर की। आपने खूब नाम सुना होगा हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर का। मैं इस वीडियो में आपको इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और इनकी क्या वर्किंग है वो आपको बता देता हूँ। जैसे जो भी आपको दिख रहा है, ये है हेड रेगुलेटर। हेड रेगुलेटर का मतलब है किसी भी कैनाल का जो हेड है, जहाँ से पानी स्टार्ट होता है उस कैनाल में, पेरेंट कैनाल जो भी है वहाँ से पानी निकलता है, उस जगह पर जो कैनाल है उसमें पानी को कम ज़्यादा करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर, जो डिवाइस काम में ली जाती है, उसको अपन कहते हैं हेड रेगुलेटर। इसमें गेट लगा होता है और गेट की मदद से इसमें पानी को कम ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे सामने आपको दिख रहा होगा, ये हेड है और इस पर जो लगा हुआ है गेट, इसके सामने आपको कैनाल दिख रही है, वो डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल है और उसको, उसमें पानी को कंट्रोल करने के लिए ये बनाया हुआ है। अब जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है क्रॉस रेगुलेटर। ये क्रॉस रेगुलेटर है और ये कैनाल के बीच में बनाया हुआ है। तो इसका क्या काम है, जो इसके अपस्ट्रीम में जो ये आप पानी का फ्लो देख सकते हैं, तो अपस्ट्रीम में जो भी कैनाल हैं इनमें पानी के स्तर को कम ज़्यादा करने के लिए इस क्रॉस रेगुलेटर को यूज़ किया जाता है। यदि आपको यहाँ से आगे पानी नहीं चाहिए तो क्रॉस रेगुलेटर को नीचे करके जो आगे डाउन स्ट्रीम में पानी है उसे बंद किया जा सकता है और अपस्ट्रीम में वाटर लेवल कैनाल के अंदर बढ़ाया जा सकता है। ये काम है क्रॉस रेगुलेटर का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रॉस रेगुलेटर का क्या काम है और क्रॉस रेगुलेटर क्या होता है। जैसे मैं बताऊं आपको, माइनर्स क्या होते हैं, जो छोटी नहरें होती हैं उन्हें माइनर बोलते हैं और ये माइनर का क्रॉस वो हेड रेगुलेटर है। ये है माइनर, अभी ये बंद है, अभी इसमें पानी नहीं चल रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक बीच में जहाँ पानी पड़ा हुआ है, यहाँ से बीच में एक सर्कुलर इसका हुआ है, इसको महबूब सेक्शन बोलते हैं। और इसका एक पर्टिकुलर स्लोप है और दोनों साइड डॉवल है, और डॉवल के नीचे जहाँ डॉवल बना हुआ है उसे कहते हैं लाइनिंग टॉप, ये लाइंड कैनाल है। तो ये कुछ बातें थी इस माइनर्स के बारे में और हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर के बारे में। अब दूसरी बात आपने सुनी होगी, क्रॉस रेगुलेटर कम VRB और ब्रिज भी उसके साथ में बना होता है। जैसे अभी ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे ये VRB है, या अपन बोल सकते हैं इसको ब्रिज है। ये कैनाल के ऊपर बना हुआ है ताकि हम कैनाल के दूसरी साइड आ जा सकें। इसके साथ में अपने वो बना हुआ है क्रॉस रेगुलेटर भी। तो ये कुछ बातें थी, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो काम आ जाए, अच्छा लगे। यदि इन्फॉर्मेशन लगा हो थोड़ा सा भी, ऐसा ज्ञानवर्धक लगा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू।